तो दोस्तों वीडियो बहुत ही एंटरटेनमेंट होगा, तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों नमस्कार, यहाँ पर आप पैनल देख सकते हैं, सोलर पैनल, और यहाँ पर एक इन्वर्टर रखा हुआ है मैंने 100 वाट का। और दोस्तों इस इन्वर्टर की आउटपुट के लिए यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर भी मैंने रखा हुआ है जो कि 5 एम्पीयर का है, और उसकी आउटपुट ये रही। ये यहाँ पर एक मैंने सॉकेट लगा रखा है इसके आउटपुट में। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन्वर्टर के कनेक्शन ट्रांसफार्मर से करेंगे, और फिर ये सोलर पैनल जो है इसके साथ में इसके कनेक्शन करेंगे, और फिर इसकी आउटपुट चेक करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 वाट का मेरे पास ये इन्वर्टर है, और ये इधर यहाँ पर मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ। ये जो बीच में आपको कनेक्शन देख रहे हैं ये तो हम ट्रांसफार्मर में लगाएंगे, और इस इन्वर्टर का जो पीला वाला वायर है ये माइनस का है, और ये रेड वाला वायर है प्लस का बैटरी का। तो ये दोनों वायर बैटरी के हो गए, और ये दोनों वायर ट्रांसफार्मर के हो गए। अब हमारे पास ये 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर में ले रहा हूँ, इसमें आपको ये 3 वायर दिख रहे हैं। तो बीच वाला वायर तो बैटरी के प्लस का होगा, और ये साइड वाले जो 2 वायर है ये हमारे इन्वर्टर में लगाएंगे। इन्वर्टर के अंदर आप ये बीच वाले जो 2 वायर देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैं लगाने जा रहा हूँ ट्रांसफार्मर के दोनों साइड वाले वायर में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। और दोस्तों ये इन्वर्टर आपको कहाँ से मिलेगा उसका भी मैं नीचे लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जा कर के इस इन्वर्टर को आराम से परचेज कर सकते हो। तो ये देखिए मैं यहाँ पर ये इन्वर्टर के जो दोनों बीच वाले वायर है ये ट्रांसफार्मर के दोनों साइड वाले वायर में जोड़ दिए हैं। अब बस इन्वर्टर के बैटरी के कनेक्शन बचे। तो ये तो बैटरी का माइनस पॉइंट है, और ये वाला बैटरी का प्लस है। तो इन्वर्टर का जो प्लस वाला पॉइंट है ये वाला, ये आप इस ट्रांसफार्मर के बीच वाले वायर से लगा दीजिए। इन दोनों पे हम प्लस ही देंगे, और सोलर पैनल का भी प्लस वायर यहाँ पे ही लगेगा। तो फ्रेंड सोलर पैनल हमारा ये रहा, और इसकी जो कनेक्शन पिन है वो ये रही, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसकी कनेक्शन पिन है। तो पीला वायर तो इसका माइनस है, और रेड वाला वायर इसका प्लस है। तो चलिए अब इसको इन्वर्टर से कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीला वाला वायर तो इसका माइनस है, और रेड वाला प्लस है। तो इन्वर्टर के साथ में अब इन दोनों वायर को हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलर पैनल का मैंने प्लस वायर भी लगा दिया इन्वर्टर में, और माइनस भी लगा दिया। तो ये बीच वाला ट्रांसफार्मर का भी प्लस और बैटरी का भी प्लस मैंने एक साथ लगा दिए। अब चलिए इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो दोस्तों आउटपुट के लिए हमारे पास ये मल्टीमीटर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए मल्टीमीटर है। तो इसे मैं यहाँ पर 600 वोल्ट एसी पर लगा रहा हूँ, ये मैंने लगा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग कोई नहीं है। तो चलिए अब इसकी रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इसकी रीडिंग चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए इसकी रीडिंग कितनी वोल्टेज यहाँ पर ये बना रहा है, ये देखिए, और काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज ये बना रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों चलिए अब इससे कुछ बल्ब हम आपको जलाकर दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर 100 वाट का बल्ब हम जलाएंगे, ये देखिए मेरे पास 100 वाट का बल्ब है। तो इस बल्ब को हम एक एक्स्ट्रा होल्डर में लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, और ये एक्सटर्नल होल्डर बन गया। तो चलिए इसको जलाकर देखते हैं कि ये जलता है या नहीं। तो दोस्तों ये नहीं जल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रीज़न ये हो रहा है 100 वाट का इन्वर्टर तो हमारा है, लेकिन जो सोलर पैनल हमारा है वो 100 वाट की बिजली नहीं दे पा रहा है। और दोस्तों सोलर पैनल मेरे पास 50 वाट का है, इसलिए यहाँ पर ये 100 वाट के बल्ब को नहीं जला पा रहा है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब यहाँ पर हम 10 वाट का एक LED बल्ब जला के देखते हैं। ये देखिए 10 वाट का LED बल्ब है, और इसको हम यहाँ पर जला के देखेंगे। तो ये मैंने लगा दिया होल्डर में, आप देखिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल आराम से जल रहा है 10 वाट का बल्ब, ये देख सकते हैं आप, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से जल रहा है। तो चलिए मैं इसको बंद करके भी आपको दिखा दूँ। ये देखिए मैं पैनल के तार हटाऊँगा तो ये बंद हो गया, और जैसे लगाऊँगा ये जल रहा है, ये देखिए। तो गाइस कुल मिला के यहाँ पर 20 से 30 वाट अभी ये इन्वर्टर जनरेट कर सकता है। इतने वाट का आप कोई भी बल्ब आसानी से जला सकते हो इस पर, लेकिन 100 वाट का बल्ब इस पर नहीं जलेगा, क्योंकि उतनी कैपेसिटी का सोलर पैनल हमारे पास नहीं है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये 20 वाट का LED बल्ब मैंने बनाया हुआ है, तो इसको मैं आपको जला कर दिखाता हूँ। और ये यहाँ पर मैंने AC से ही बनाया हुआ है, तो चलिए इसको भी मैं जला कर आपको दिखा दूँ। और गाइस ये भी बिल्कुल सही तरीके से जल रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो 20 वाट का बल्ब भी हमारा बिल्कुल सही तरीके से जल रहा है।
तो कहने का मतलब है 20 वाट या फिर 25 वाट तक का कोई भी चीज़ आप इस इन्वर्टर से आराम से चला सकते हो सोलर पैनल की मदद से, इससे ज़्यादा ये नहीं चला पाएगा। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है और बहुत ही आसानी से आप इसको आराम से घर पे बना सकते हो। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा और इससे आपको क्या सीखने को मिला ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।